यूपी के एटा से बड़ी खबर, शहीद के घर गूंजी है किलकारी, वीर नारी ने जन्मा है लाल। तो शहीद की पत्नी ने देशभक्ति के जज्बे को किया सलाम। पत्नी श्वेता ने कहा, बेटे को भी भेजूंगी सेना में। राजेश यादव 5 दिसंबर 2018 को हुए थे शहीद, और शहीद के परिजनों को नवजात लाडले में दिखा अपना शहीद लाल। तो जलेसर क्षेत्र के रेजुआ गांव के रहने वाले थे शहीद राजेश यादव। यूपी के एटा से बड़ी खबर है, शहीद के घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि शहीद के घर नन्हे बालक ने जन्म लिया है, वीर नारी ने जन्मा है लाल, और शहीद की पत्नी ने देशभक्ति के जज्बे को सलाम किया है। पत्नी श्वेता ने कहा है कि बेटे को भी सेना में भेजूंगी। राजेश यादव 5 दिसंबर 2018 को हुए थे शहीद, और शहीद के परिजनों को नवजात लाडले में दिखा अपना शहीद लाल। तो जलेसर क्षेत्र के रेजुआ गांव में रहने वाले थे ये शहीद राजेश यादव, जिनकी पत्नी ने देशभक्ति के जज्बे को सलाम किया है, और पत्नी श्वेता ने ये कहा है कि बेटे को भी सेना में ही भेजूंगी। तो यूपी के एटा से ये बड़ी खबर है, शहीद के घर गूंजी किलकारी, वीर नारी ने जन्मा है लाल, शहीद की पत्नी ने देशभक्ति के जज्बे को सलाम किया है, और पत्नी श्वेता ने कहा कि बेटे को भी सेना में ही भेजूंगी।